छतरपुर के बड़ाम लहरा में चल रही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमान कथा में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व सीएम उमा भारती भी पहुंची। कथा के दौरान मंच पर पहुंची उमा भारती ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मंच से जमकर तारीफ की। उमा भारती ने कहा, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर में साधुता और वीरता का मिश्रण है। बता दें कि बड़ा मलहरा उमा भारती का गढ़ माना जाता है। यहाँ के विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी अपनी विधानसभा में इस तरह का आयोजन पहली बार करवा रहे हैं। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैंने देख रही हूँ कि वो अमीरों और गरीबों दोनों से एक ही भाव से मिलते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से मुझे बहुत उम्मीदें हैं और वो इसे पूरा भी करेंगे। अब उमा भारती की बाबा की तारीफ का वीडियो वायरल हो रहा है। विषमता नहीं होनी चाहिए तो राम राज होगा। अगर ऐसा राम राज कोई लाएगा अगर मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार बागेश्वर धाम की कृपा से और उनके द्वारा वो राम राज आएगा जो अमीर और गरीब के बीच के पूरे अंतर को काट देगा। ऐसा मुझे यकीन हुआ है, विश्वास हुआ है। मैं पहले उनको टीवी पर देखना शुरू की, फिर संयोग से मेरी उनकी एक मुलाकात हुई और मेरे जन्मदिन पर उनसे मेरी मुलाकात हुई खजुराहो के पास में। और उसके बाद बागेश्वर धाम शास्त्री जी ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, वो मेरे से बहुत छोटे हैं लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और सुखदेव जी जब कथा पहुँचते थे तो बहुत पुराने पुराने साधु संत देख कर उनको सुनते थे। ये वैसे मेरे लिए वैसे ही है। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, Saathi Global Festival, Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।